हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट HRM का कंप्लीट कोर्स पैक परचेस करना है सो वो भी आप हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सो आप हमारे गिवन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको एक विजिट टेलीग्राम पर अटेंड करने हैं सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर डेली विजिट्स कंडक्ट किए जाते हैं सो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अर्लियर वीडियोस में हमने आपको बताया था कि आपको हमारी वेबसाइट कैसे विजिट करनी है, हमारे UGC नेट सेक्शन में कैसे जाना है और हमारे क्विजेस को कैसे अटेंड करना है। सो हम डायरेक्टली डे 16 के क्विज पे जाते हैं और इसको अटेंड करते हैं। सो इसको बिगिन करते हैं हम क्विज को। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, विच इज द एजम्पशन ऑफ मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो बेसिकली यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए जो मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, बेसिकली जिसको MM हाइपोथेसिस बोला जाता है, उन्होंने जो एजम्पशंस दी थी इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस गिवन है, दैट इज द कैपिटल मार्केट आर एज्यूम टू बी परफेक्ट। यस, सो यहाँ पे जो मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के अंदर जो कैपिटल मार्केट के लिए एजम्पशंस थी वो थी कि जो आपका कैपिटल मार्केट होगा वो परफेक्ट होगा। दैट इज यहाँ पे एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उनके पास ज़्यादा परफेक्ट नॉलेज होती है अबाउट द कंपनी एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो MM हाइपोथेसिस के अंदर माना गया है कि यहाँ पे जितना इन्वेस्टर्स को नॉलेज होगी अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, उतने ही सेम इन्फॉर्मेशन इंटरनल मैनेजमेंट को भी होगी। सो दैट जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसका मिसयूज ना कर पाए इन्फॉर्मेशन का, उसका कोई एडवांटेज ना ले पाए। सो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट को परफेक्ट माना गया है। सेकेंड थिंग यहाँ पे बोला गया, द फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस रिस्क क्लास। सो बेसिकली जो जितनी भी फॉर्म्स है इंडस्ट्री के अंदर, उनका जो रिस्क क्लास होगा वो बेसिकली सेम होगा, होमोजीनियस होगा। सो ये भी इसकी एजम्पशन है। All the investors have the same expectation from a firm net operating income, which is necessary to evaluate the value of the firm. So basically यहाँ पे जो investors की expectation होगी firm की net operating income से वो same रहेगी। So ये भी इसकी जो ये भी मोदी गिलानी मिलर की assumption के अंदर count होता है। So यहाँ पे जो आपका correct option होगा that is option number D, all of the above. अगर हम अदर assumptions की बात करें, so मोदी गिलानी मिलर के approach के अंदर और भी assumptions थी, that is यहाँ पे कोई भी taxes नहीं होंगे, कोई भी corporate dividend tax नहीं होगा, एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी सिक्योरिटी परचेस और सेल से रिलेटेड वो नील होगी। दैट इज यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं होगा। सो ये कुछ एजम्पशंस थी मोदी गिलानी मिलर की। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको बताने की कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट वन आपसे कहती है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द इंडस्ट्री फॉर लार्जर कैपेसिटी इज द आर्गूमेंट दैट लार्ज फैसिलिटीज फैसिलिटेट ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बट द मेजर कंसर्न फॉर बिल्डिंग बिग कैपेसिटी इज दैट फंड विल बी टाइड अप और द स्कार्सिटी ऑफ फंड। सो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि लार्जर कैपेसिटी अगर इंडस्ट्री के अंदर लगाएंगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो अचीव होगी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ फंड हो जाएगा और इससे स्कार्सिटी ऑफ फंड हो सकती है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज अगर आप काफ़ी ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो इससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो अचीव करने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, यहाँ पे एफिशिएंसी गेन होगी आपको। बट एट द सेम टाइम अगर आपके सप्लायर्स हैं जो आपको रॉ मटेरियल्स सप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने ही उस क्वांटिटी या उसी रेट से अगर आपको सप्लाई नहीं की सो यहाँ पे जो आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। सो यहाँ पे जो आपके फंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। सो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें, अ वायबल अल्टरनेटिव टू लार्जर कैपेसिटी प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज टू डेवलप सब कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर नेटवर्क। सो अगर आप सप्लायर नेटवर्क बिल्डअप करते हैं सो बेसिकली आप लार्ज कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आपकी बोथ स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। यहाँ पे अगर आप सप्लायर नेटवर्क बिल्डअप करेंगे सो यहाँ पे आपके पास लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स होंगे। सो अगर यहाँ पे आपको एक सप्लायर लार्ज क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर पा रहा है सो आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स के ऑप्शंस हैं, आप किसी भी सप्लायर से कमोडिटीज़ को परचेस कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपके बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्रिटिकल एजम्पशंस ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। सो बेसिकली यहाँ पे वॉल्टर्स मॉडल की एजम्पशंस आपसे पूछी गई हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है, ऑल फाइनेंसिंग इज डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड लाइक डेब्ट और न्यू इक्विटी कैपिटल आर नॉट यूज्ड। सो बेसिकली यहाँ पे वॉल्टर मॉडल की एजम्पशंस थी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रिटेन्ड अर्निंग थ्रू करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल बोरोइंग दैट इज थ्रू इक्विटी और थ्रू डेब्ट नहीं होगी। सो ये जो आपकी एजम्पशंस है ये वॉल्टर मॉडल की है। सो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपके वॉल्टर मॉडल के एजम्पशन के अंदर काउंट होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, द रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड अपॉन इज कॉन्स्टेंट। सो बेसिकली यहाँ पे आपसे बोला गया जो रिटेंशन रेशियो है वो कॉन्स्टेंट होगा। रिटेंशन रेशियो का आपका फॉर्मूला पता है, जी इजक्वल्स टू बी आर। यहाँ पे आपका बी जो होता है वो होता है आपका रिटेंशन रेशियो और जो आर होता है आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आपके जो रिटेन्ड अर्निंग है अगर आप उसको रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे सो यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो निकल के आएगी। नाउ यहाँ पे बोला गया है कि द रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड इज कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली जो रिटेंशन रेशियो है वो कॉन्स्टेंट इसके अंदर नहीं एज्यूम की गई है। यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसको कॉन्स्टेंट माना गया है अंडर द वॉल्टर्स मॉडल। सो बेसिकली जो आपका ऑप्शन नंबर बी है दैट इज इनकरेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, द कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड इन्वेस्टर बिहेव रैशनली। सो बेसिकली ये जो एजम्पशंस थी ये MM हाइपोथेसिस के अंदर मानी गई है ना कि वॉल्टर्स मॉडल के अंदर। सो आपका ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे फिर नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो भी बोरोइंग होगी वो रिटेन अर्निंग के थ्रू करी जाएगी ना कि एक्सटर्नल डेब्ट के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स लीवरेज बाय आउट्स। सो यहाँ पे आपको लीवरेज बाई आउट्स के बारे में पूछा गया है। सो लीवरेज बाई आउट्स क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं। बेसिकली अगर आपको किसी भी फॉर्म को एक्वायर करना है, किसी भी फॉर्म की एक्विजिशन आपको करनी है, सो इसके लिए अगर कोई भी एक्वायरर फॉर्म बेसिकली जो फॉर्म एक्वायर करना चाहती है वो लार्ज डेप्ट बोरो करती है टू एक्वायर द सिक कंपनी और स्मॉल कंपनी। सो बेसिकली यहाँ पे जब भी लार्ज नंबर ऑफ बोरोइंग की जाती है एक्सटर्नल डेप्ट की सो दैट वो किसी सिक कंपनी या किसी स्मॉल कंपनी को एक्वायर कर पाए, सो इसको लीवरेज बायआउट्स कहा जाता है। सो यहां पे अगर हम ऑप्शंस देखें सो इट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर के अंदर दोनों पार्टी इक्वल होते हैं, ये किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए मर्ज होती हैं और वो स्पेशल पर्पस कंप्लीट होने के बाद वो सेपरेट हो जाती हैं। सो बेसिकली आपका यहां पे जॉइंट वेंचर इसका आंसर नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इट इज अ एक्विजिशन इन विच अ लार्ज एक्वायरर हैज लीवरेज थ्रू बार्गेनिंग पावर ओवर अ स्मॉल टारगेट। सो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि एक लार्ज एक्वायरर के पास लीवरेज होता है, बेसिकली यहाँ पे उसके पास फाइनेंसिंग पहले से ही होती है, यहाँ पे उसके पास कैश अवेलेबल होता है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे डेब्ट को बोरो किया जाता है सो दैट वो स्मॉल कंपनी को एक्वायर कर पाए। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इट इज अ एक्विजिशन विच इज फंडेड फ्रॉम रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ डेब्ट। सो बेसिकली ये एक एक्विजिशन होता है जिसको फंड किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेब्ट के थ्रू। सो बेसिकली जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इट इज अ एक्विजिशन विच इज फंडेड फ्रॉम रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ डेब्ट। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका लो अमाउंट ऑफ डेब्ट नहीं होगा, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ डेब्ट होगा। सो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 5%, मार्केट रिटर्न इज 10% एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 13%, द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी। सो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ बीटा निकालना है। सो बीटा क्या शो करता है कि अगर मार्केट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं इससे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर कितने चेंजेस आएंगे, उस सिक्योरिटी प्राइस के अंदर कितने चेंजेस आएंगे। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें सो इसके अंदर आप बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं कैपम के फॉर्मूले के थ्रू। CAPM का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसका फॉर्मूला होता है। सो अगर हम कैपम फॉर्मूले की बात करें सो कैपम का फॉर्मूला होता है आपका रिटर्न ऑफ असेट दैट इज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल्स टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। सो अगर इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी गिवन है दैट इज 13% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यही आपका रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी होगा बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न। सो यहाँ पे आपका आएगा 13%। अगर आपका रिस्क फ्री रिटर्न देखें तो वो है आपका 5%, बीटा आपको कैलकुलेट करना है, मार्केट आपको रिटर्न गिवन है 10% और रिस्क फ्री है आपका 5%। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 13 = 5 प्लस बीटा इंटू 5। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 8 = 5 बीटा। सो आपको 8 को डिवाइड कर देंगे 5 से, सो आपका आंसर आ जाएगा बीटा का
सो अगर आप बीटा अगर निकालेंगे इसको सॉल्व करके तो आपका आएगा 1.6। सो अगर हम इसके अंदर ऑप्शन देखें 1.2, 1.5, 1.6 एंड 1.8, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.6। सो डे 16 के वीडियो के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। फर्दर वीडियोस के अंदर हम बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है सो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको कॉमर्स मैनेजमेंट HRM का कंप्लीट कोर्स पैक परचेज करना है सो आप वो भी हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।